भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर एक कहावत फिट बैठती है, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर, उसमें नुकसान खरबूजे का ही होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि विवाद खेसारी लाल यादव से जुड़े या खेसारी लाल यादव विवादों से, बदनाम खेसारी लाल यादव ही होते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों से ज़्यादा खेसारी के दुश्मन हैं, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो खेसारी लाल यादव के लिए घातक साबित हो सकते हैं। आइए हम बताते हैं कौन है वो दुश्मन जिनसे खेसारी लाल यादव को नुकसान पहुंच सकता है। पहले है भोजपुरी के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार पांडे। जी हाँ, राजकुमार पांडे और खेसारी लाल यादव में पहले बहुत बड़ी मित्रता थी। इन दोनों ने एक साथ फिल्में भी की हैं और ये फिल्में सुपरहिट भी हुई हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव और राजकुमार पांडे के बीच ऐसी दरार आई कि अब खेसारी लाल यादव की बुराई राजकुमार पांडे करते नहीं थकते और राजकुमार पांडे की बुराई खेसारी लाल यादव। इन दोनों के बीच तो दुश्मनी सही भी थी, लेकिन इस दुश्मनी ने और भी बड़ा रूप तब ले लिया जब इसमें राजकुमार पांडे के बेटे प्रदीप पांडे चिंटू कूद पड़े। जी हाँ, प्रदीप पांडे चिंटू ने तो कई दफा कई इंटरव्यू में सीधे सीधे खेसारी लाल यादव पे तोहमत लगाई है कि खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता फैलाई है। यानी कि एक ही घर में खेसारी लाल यादव ने दो दुश्मन पाल रखे हैं, एक बाप राजकुमार पांडे, दूसरा उनका बेटा प्रदीप कुमार पांडे। वैसे खेसारी लाल यादव भी कभी नहीं चूकते, कभी भी कुछ भी हुआ तो वो प्रदीप पांडे चिंटू और राजकुमार पांडे के विषय में जहर उगलना नहीं छोड़ते। राजकुमार पांडे और प्रदीप पांडे खेसारी लाल यादव के इतने बड़े दुश्मन हो चुके हैं कि ये खेसारी लाल यादव को देखना तक पसंद नहीं करते। और हाँ, यहाँ तक कि इनकी सफलता पचा पाना तो इनके लिए नामुमकिन सा साबित होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और दूसरे दुश्मन की बात करते हैं। आप यहाँ हमें ये जरूर कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं हमें गलतफहमी है, लेकिन इस दुश्मन का नाम सुनकर आपको एक बार जरूर लगेगा कि ऐसा हो नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव के बीच में जो ये दुश्मनी की जंग शुरू हुई है, ये अभी जग जाहिर तो नहीं हुई है, लेकिन इसके संकेत कई जगहों पर मिले हैं। जैसे आजमगढ़ के चुनाव क्षेत्र में खेसारी लाल यादव का न जाना, खेसारी लाल यादव का निरहुआ को प्रमोट न करना, और इसके पीछे रीजन बताई जाती है एक फिल्म। एक फिल्म क्या, यहाँ हम ये कह सकते हैं कई ऐसी फिल्में जो खेसारी लाल यादव नहीं कर रहे थे। प्रोड्यूसर दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास गए, उन्होंने ये फिल्में करने से हाँ कर दी। इस पर खेसारी लाल यादव की जल गई और इन दोनों के बीच एक दुश्मनी का खेल शुरू हो गया। अभी ये खेल दबी छुपे लफ्जों में ही है, लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ कुछ दबा छुपा नहीं होता, कभी ना कभी वो बाहर आता ही है। वैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ बड़े ही साफ छवि के इंसान हैं। वो नहीं चाहते कि उनका नाम बेवजह की किसी भी लड़ाई में घसीटा जाए। वो इस तरह के इंसान बिल्कुल नहीं है कि उनका नाम बेवजह किसी चीज़ों में घसीटा जाए, इसलिए शायद वो चुप है। वैसे आपको बता दें कि एक फिल्म सैयां अरब गई नैना को लेकर ही इन दोनों स्टार्स के बीच में जंग शुरू हुई। पहले बताया जा रहा था कि फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म को लेकर खेसारी लाल यादव के पास गए, लेकिन प्रोड्यूसर और खेसारी की बात न बनी और वो ये फिल्म लेकर सीधे दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास पहुंच गए। दिनेश लाल यादव निरहुआ को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे एज ए लीड आ गए। लेकिन जैसे ही ये बात खेसारी लाल यादव को पता चली, खेसारी लाल यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि यह फिल्म दिनेश लाल यादव निरहुआ करें, क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था। फिर खेसारी लाल यादव ने जुगाड़ लगाया और इस फिल्म को अपनी तरफ खींच लिया और आज इस फिल्म में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं। बस यही बात दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव की दुश्मनी के लिए काफ़ी थी। और अब बढ़ते हैं उनके तीसरे और सबसे खतरनाक दुश्मन की तरफ। खेसारी लाल यादव के तीसरे पायदान पे कई दुश्मन हैं,
नंबर 3 पर खेसारी लाल यादव के कई दुश्मन हैं, लेकिन उसमें से सबसे खतरनाक बिहार के बाहुबली नेता सुधीर सिंह हैं। इनकी गिनती हमेशा से खेसारी के सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मनों में की जाती है। कई बार इनकी दुश्मनी जग जाहिर हो चुकी है, कई बार खेसारी लाल यादव लाइव आकर अपनी दुश्मनी इनसे जग जाहिर कर चुके हैं। ये बता चुके हैं कि सुधीर सिंह उनको जान से मारना चाहते हैं, कई तोहमतें लगा चुके हैं। आपको ये बता दें कि इन दोनों की दुश्मनी भी एक स्टेज शो को लेकर हुई। सुधीर सिंह खेसारी को अपने गांव एक स्टेज शो के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन खेसारी लाल यादव ठहरे बिजी इंसान, उनके पास टाइम नहीं था और वो सुधीर सिंह को टालने लगे। और ये बात सुधीर सिंह को इतनी नागवार गुजरी कि सुधीर सिंह ने उन्हें फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दे दी। और बस यही बात खेसारी लाल यादव ने अपने फ़ोन में टैप कर ली। ये वॉइस रिकॉर्डिंग खेसारी लाल यादव ने मीडिया में सर्कुलेट कर ली और जैसे ही ये वॉइस रिकॉर्डिंग सभी के सामने आई, सभी की सिंपैथी खेसारी लाल यादव की तरफ हो गई और सुधीर सिंह रातों रात विलन बन गए। आपको यहाँ ये बता दें कि सुधीर सिंह पवन सिंह के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक है। अब जाते जाते आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि हमने खेसारी के दुश्मनों में पवन सिंह का नाम क्यों नहीं लिया, तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की दुश्मनी कल की पुरानी बात हो चुकी है। इन दोनों की दुश्मनी की सबसे बड़ी जड़ अक्षरा सिंह थी, जो कि आज पवन सिंह की लाइफ से पूरी तरह से जा चुकी हैं। और जब समस्या ही चली गई तो दुश्मनी कैसी। तो यकीन है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।